इस वक्त हमारी एमपी लैब में मोहम्मद रशीद साहब मौजूद हैं जो पीटीआई हैं इस अदारे के। जी सर, एमपी लैब के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो गुलाम फरीद साहब ने ये लैब जो बनाई है, ये बहुत ही अच्छी, ये मॉडल, ये प्रिकल, मैं कहता हूँ ये डिवीज़न लेवल पे ऐसी कोई लैब नहीं है। क्योंकि सबका हमारे ईडीओ जो थे जनाब तारक रफ़ी साहब, उन्होंने भी इनको बहुत सराया था और यहाँ आकर फ़ोन किया करते थे मुख्तलिफ स्कूलों में, डिवीज़न में, कहते थे कि अगर लैब देखनी है तो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट की, जो कि साइंस टीचर गुलाम फरीद साहब ने बनाई। इन्होंने बहुत मेहनत, मैं कहता हूँ कि इन्होंने ऐसी रिसर्च की कि मैंने देखा इनको, ये पहाड़ों पर चले जाते, वहाँ से भी मिट्टी लाते और ख़ुद अपने हाथों से चीज़ें बनाते, और ताकि बच्चे प्रैक्टिकल तौर पर इनको चीज़ों को सीखें। ये नहीं कि इनको थ्योरी पढ़ा दी और काम ख़त्म, नहीं, इनकी ज़हनी सलाहियत का पता इसलिए चलता है कि ये लोगों के साथ तामन और बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, और ये तमाम बच्चों को, मैं कह रहा हूँ, FSC में जाकर BSc लेवल तक के ये प्रैक्टिकल यहाँ करवा देते हैं, और बच्चे बहुत ही इनसे मनहूस हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।